हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल रेलगन शॉप पर। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की सेकंड नाइट्रो पिस्टल एयर राइफल, जो कि है एसजीपी स्नाइपर नाइट्रो एयर राइफल। ये इंडिया की सेकंड नाइट्रो पिस्टल एयर राइफल है, मेड इन इंडियन एयर राइफल है। चलिए पहले इसको अनबॉक्स करते हैं और फिर इसके फीचर्स की बात करते हैं। So, दोस्तों कुछ इस तरह से दिखती है हमारी एसजीपी स्नाइपर एयर राइफल। दिखने में बहुत ही सुंदर है एंड इट कम्स विद अ रियल वुडन स्टॉक। यहाँ पे इसका स्टॉक भी एंग्रेव्ड है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे एंग्रेविंग की गई है, जो कि दिखने में बहुत प्यारा है। अगर इसकी हम वेट की बात करें तो वेट अप्रोक्सीमेटली 3.5 किलो है। इसमें फ्रंट साइड जो है ये प्लास्टिक का फ्रंट साइड दिया हुआ है, जो कुछ इस तरह से दिखता है। अगर इसकी रियर साइड की बात करें तो रियर साइड भी ऐसा है। इट्स एडजस्टेबल फॉर विंडेज एंड एलिवेशन। यहाँ पे मेंशन किया गया है एसजीबी सुसांता दास एंड ब्रोज स्नाइपर एयर राइफल विच इज नाइट्रो पैक्ड विद अ पंच। नाइट्रो पिस्टन है, मेड इन इंडिया एयर राइफल है। इसके ट्रिगर की बात की जाए तो इसमें 2-स्टेज ट्रिगर यूज होता है और इसमें जो सेफ्टी है वो मैनुअल सेफ्टी है। हम इसको अगर लॉक करना चाहे तो इसको जस्ट पीछे कर सकते हैं एंड इट वोंट फायर। अगर उसको मैनुअल सेफ्टी को ऑफ करना है तो इसको आगे करना है और फिर इससे ऐसा फायर कर किया जा सकता है। ये इंडिया की सेकंड नाइट्रो पिस्टन एयर राइफल है, जो कि एसजीबी द्वारा बनाई गई है। हम पहले देखते थे कि प्रेसी होल की NX-100, NX-200 एंड अब एसजीबी ने भी एक अपनी नाइट्रो पिस्टन एयर राइफल लॉन्च की है, जो कि बहुत ही एक्यूरेट है। इसकी एक्यूरेसी बहुत ही लाजवाब है। अगर इसके FPS वेलोसिटी की बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 950 FPS ही देती है, जो कि प्रेसी होल से थोड़ा सा लगभग थोड़ा ज़्यादा FPS देती है। बाकी दोनों एयर राइफल्स बहुत ही अच्छी है। अगर इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वो लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पे और भी एक माइन्यूट डिटेल्स आप देख सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये एयर गन की अनबॉक्सिंग आपको अच्छी लगी हो। तो हमारे चैनल को यूं ही लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।